हेलो वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि आप पावर डायरेक्ट एप्लीकेशन में ग्रीन स्क्रीन बैकग्राउंड को कैसे रिमूव कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने पावर डायरेक्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। इसके बाद फ्रेंड्स, फटाफट से प्लस का आइकन पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे फ्रेंड्स मैंने प्लस का आइकन में क्लिक करा, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत सारे रेशोज आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, इन सभी रेशोज में फ्रेंड वो ट्रिक सेम होने वाली है। तो फिलहाल मैं आपको ये ट्रिक 16:9 में करके बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने 16:9 पे क्लिक करा फ्रेंड्स, फटाफट से मैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड को चूज़ कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक बैकग्राउंड को चूज़ कर लिया है। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको ग्रीन स्क्रीन वीडियो को चूज़ करना होगा जिसके बैकग्राउंड को आप रिमूव करना चाहते हैं। तो उसके लिए फ्रेंड्स, आपको सिंपल सा येलो ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आपके सामने साइड में बहुत सारे ऑप्शन आ चुके हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, आपको सिंपल सा वीडियो वाला ऑप्शन में क्लिक करके अपने ग्रीन स्क्रीन वीडियो को यहाँ पर चूज़ कर लेना होगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन वीडियो को चूज़ कर लिया है। तो फ्रेंड्स, इसके बैकग्राउंड को रिमूव करने से पहले मैं आपको इस वीडियो को प्ले करके बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये एक डॉग की क्लिप है जिसका राइट साइड आपको एक ग्रीन स्क्रीन बैकग्राउंड देखने को मिल रहा होगा, जो बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि आखिर कैसे आप इस ग्रीन स्क्रीन बैकग्राउंड को इस वीडियो से रिमूव कर सकते हैं। तो उसके लिए फ्रेंड्स, आपको सिंपल सा नीचे इस वीडियो की क्लिप पर क्लिक करना होगा। जैसे फ्रेंड्स आप इस क्लिप पर क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं नीचे एक पेंसिल का आइकन आ चुका है। तो आपको सिंपल सा इस पेंसिल के आइकन पर क्लिक कर देना होगा। तो फ्रेंड्स, जैसे आप पेंसिल के आइकन पर क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं फ्रेंड नीचे बहुत सारे ऑप्शन आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अब आपको इन ऑप्शन में थोड़ा सा राइट साइड स्लाइड करना होगा। जैसे फ्रेंड्स आप राइट साइड स्लाइड करते हैं, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स आपके सामने एक क्रोमा की का ऑप्शन आ चुका है। तो आपको सिंपल सा नीचे इस क्रोमा की वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। तो फ्रेंड्स, जैसे आप क्रोमा की वाले ऑप्शन में क्लिक करते हैं, आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अब आपको सिंपल सा नीचे इस पैन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। तो फ्रेंड्स, जैसे आप पैनल ऑप्शन में क्लिक करते हैं, उसके बाद फ्रेंड्स आपको सिंपल सा ये स्क्रीन पे ग्रीन कलर दिख रहा है, उस पर आपको टैप कर देना होगा। जैसे फ्रेंड्स आप टैप करते हैं, उसके बाद फ्रेंड्स आपको नीचे दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, कलर रेंज और डिनॉइस। तो फ्रेंड्स, आपको थोड़ा सा कलर रेंज को अप्रोक्स 50 तक बढ़ा देना होगा। जैसे फ्रेंड्स आप कलर रेंज को 50 तक बढ़ाते हैं, उसके बाद फ्रेंड्स आपको डिनॉइस को भी 35-40 तक बढ़ा देना होगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने दोनों को इनक्रीज़ कर दिया है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको सिंपल सा इस प्ले बटन पे क्लिक कर देना होगा। तो फ्रेंड्स, जैसे आप इस प्ले बटन पे क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारे इस वीडियो में से ग्रीन स्क्रीन बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है और हमारी ये प्रॉब्लम फ्रेंड्स सक्सेसफुली सॉल्व हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएँ। मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।